हम डबल बेंच में जो आदेश चल रहा है मैटर, उसका फाइनल होने का वेट करेंगे। जैसे वहां से कंप्लीट होगा हम आगे बढ़ा देंगे। जब वो रिविजिट करेंगे तो इसका मतलब है कि वो रिविजिट के पक्ष में भी नहीं है। नहीं, तो है उनका यही मुख्य उद्देश्य हमेशा से यही रहा है पेंडिंग डालना और सीधा उद्देश्य है कि एक एक अभ्यर्थी तक को नौकरी ना मिले। जितनों को मिल गई है उनकी बची रहे, एक अन्य एक भी अभ्यर्थी की नौकरी ना मिले। लेकिन एक चीज आप ये बेहद तरीके से अच्छे तरीके समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ये नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, हमें ये लेट कर रहे हैं, कर चुके हैं, बहुत कर चुके हैं, इतने कर चुके हैं कि उसकी इंतहा हो गई है। लेकिन अब ये लेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये बताएं कि ये जो उल्टा सीधा रिविजिट और ये सब कंटेम्प्ट में लगाते हैं, सिर्फ इसीलिए लगाते हैं ताकि ये बच सकें, कि कंटेम्प्ट से बच सकें। नहीं तो कोई रिविजिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इनका मुख्य उद्देश्य है कि किसी को कुछ नहीं देना। इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी को कुछ नहीं दिया जाए, मामला खत्म हो जाए या तो ये पेंडिंग पड़ा रहे। देखो, अब आप लोगों को खत्म तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सुप्रीम कोर्ट से सेफ हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। तो क्या कर सकते हैं, चलो थोड़ा लेट करके ही मजे लेते हैं। तो उनको मजे नहीं लेने देना है। तो उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी आरक्षण वाली सुनवाई होगी उसमें मामला खत्म करें। उनका मामला खत्म करने का उनका उद्देश्य है। ठीक है, मामला खत्म यही होता है कि खत्म ही हो जाता है। तो इसलिए वो लोग जो लोग ये समझते हैं कि भूल में है कि ये सब चीज़ें हो जाएंगी, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए, अपनी रणनीति चेंज करनी चाहिए, सही ढंग से लड़ाई लड़नी चाहिए। क्योंकि हम लोग भी उस वजह से सफ़र कर रहे हैं, चीज़ों को झेल रहे हैं, वो चीज़ों को जो चीज़ें हमारे को थोपी गई हैं, वो चीज़ें हमारे पर थोपी गई हैं जिन अधिकारियों द्वारा, इन मोटी चमड़ी वालों द्वारा थोपी गई हैं। कोई ज़रूरत नहीं थी हमको, ये ना हमें चाहिए था, ना हमें धरना चाहिए था, ना हमें सुप्रीम कोर्ट जाना था, ना हमें कंटेम करना था, हमें नौकरी चाहना था। ये तो चाहिए थी हमें, खाली नौकरी चाहिए थी कि हमें नौकरी मिल जाए, घर बैठे आराम से जिंदगी जिए, अपना अलग बिजनेस शुरू करें या कुछ अलग एम करें, या कुछ लोग चाहते हैं पढ़ाई शुरू करें। नहीं, जैसे कि आज भी बोले, नेतागिरी मत करो, नेतागिरी करने